रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। उसका नाम जानने के पहले आप मेरे अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए, और वीडियो अगर पसंद आती तो लाइक और शेयर भी कीजिए। तो आइए आज हम देखते हैं। आज मैं आपको भटूरे बनाना सिखा रही हूँ। बिल्कुल भी ऑयल नहीं आया है और इसके अंदर हम इसबिनी डालेंगे और 4-5 घंटे हमने फर्मेंटेशन के लिए रखना भी नहीं है। बिल्कुल इंस्टेंट भटूरे बनाना सिखा रही हूँ। कितने अच्छे फूले फूले, एक एक गुब्बारे की तरह। अब मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। देखो गुब्बारे को हम जैसे फोड़ रहे हैं, अब देखिए कितनी अच्छी जाली आई है, इतना बढ़िया। अब मैं आपको सिखाती हूँ झटपट से इंस्टेंट भटूरे। अब हम यहाँ ले रहे हैं 2 कप मैदा, 2 टेबल स्पून हम ले रहे हैं आटा, 1/4 कप ले रहे हैं दही, सॉल्ट अकॉर्डिंग अवर टेस्ट, शुगर ले रही हूँ 1 टीस्पून। अगर दही खट्टा होता है तभी आप शुगर डालिए, नहीं तो शुगर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 टीस्पून हम रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं। अगर अब हम यीस्ट ब्रेड डाल रहे हैं और हम 2-4 घंटे आटे को भून कर रख भी नहीं रहे हैं तो इसमें हम क्या डालेंगे। हम लोग इंस्टेंट भटूरे बनाने के लिए हम डालेंगे इनो, वो भी 1 टीस्पून लेना है। अब झटपट से हम लोग आटा गूंथ लेते हैं। सबसे पहले मैदे और आटे को छानना ज़रूरी है तो हम छान लेते हैं। आटा भी डाल देते हैं, इसको हम छान लेते हैं। अब इसमें नमक डालते हैं, थोड़ी सी शुगर और थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं आटे को। अब हम डालते हैं दही और रिफाइंड, ये सब हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर इनो डालेंगे सबसे लास्ट में। अच्छे से क्रम्बल कर लेते हैं। अब इनो डालकर पानी से भून लेते हैं। हल्का पानी डालकर हमने बिल्कुल मुलायम आटा गूंदना है, पर इसी को हम लोग ज़्यादा ऐसे मेश करते रहेंगे तो बहुत अच्छा सा आटा गूंदा जाएगा। बिल्कुल मुलायम आटा गूंद गया। यहाँ पे मुझे बिल्कुल 1/2 कप पानी लगा है, बस इसको बस जस्ट बाइंड करना है। अभी हमने ज़्यादा इसको लोच नहीं देना। हल्का सा ऑयल लगा देती हूँ मैं ऊपर। इसको हल्के गीले कपड़े में ढककर 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। देखिए थोड़ा आटा फूल भी गया है। अब हमें इसकी टेक्निक बताती हूँ किस तरह से इसको मैश करना है। तो स्लेब पे ही करती हूँ मैं, निकाल कर हल्का सा ऑयल स्लेब पे लगा देते हैं और इसको इस तरह से करना है ना। अच्छा अभी से ही जाली दिखने लगी है आटे में और अभी स्टिक कर रहा है थोड़ा सा आटा, तो हम लोग इसको जल्दी जल्दी करके और जहाँ जिस स्टिक कर रहा है हल्का सा ऑयल लगाना ज़रूरी है। इसमें ऑयल ही लगाना, बिल्कुल भी सूखा आटा नहीं लगाना। देखिए अब थोड़ा अच्छा हो गया है। अब हम इसकी लोई तोड़ लेते हैं। लोई कैसे तोड़ना है, इस तरह से नहीं तोड़ेंगे हम लोग, बिल्कुल इसके बॉल बनाते हुए इसे तोड़ेंगे ताकि बिल्कुल नीचे की तरफ एक ही साइड में क्रैक्स आएंगे और फिर हम इसको इस तरह से पीछे की साइड क्रैक करके गोल लोई बना लेंगे। तो एक बार और दिखा देती हूँ लोई बनाने का तरीका। बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे ऐसा चिकना करके और फिर अंगूठे उंगली की तरफ से इस तरह से गोल बॉल बनानी है। देखिए ये, और फिर ये बॉल बन गई, बराबर परफेक्ट नाप की भी बनेगी और ज़्यादा क्रैक्स भी नहीं आएंगे। सारी बॉल बन गई है, पर इसको ऑयल लगा कर ही हमने रखना है। मैं भटूरे बनाने बताती हूँ। इस तरह से थोड़ा बेल कर एक बार ऐसा पलटने के बाद हम लोग थोड़ा लंबा बेलेंगे। बस इसको लंबाई में करते जाइए, एजेस ज़्यादा पतली नहीं रखनी है। उधर कढ़ाई में मैंने तेल गर्म करने रख ही दिया है और बिल्कुल हाई फ्लेम पे मैं तेल गर्म कर रही हूँ भटूरे के लिए। बिल्कुल तेज आंच पर ही हमने अच्छे तरह से तले जाते हैं इसको। ये बन गया। अब मैं इसको उठाकर हाथ पे ले लेती हूँ। थोड़ा सा श्रिंक होता है तो हम लोग इसको इस तरह से स्टेज कर फिर कढ़ाई में डालेंगे। इस तरह से ऑयल डालना हमने इसके ऊपर। ऑयल देखिए बिल्कुल गुब्बारे की तरह भटूरा फूल गया है। आंच तेज ही रखनी है।
देखिए फूला फूला भटूरा रेडी हो गया। अब मैं इसको निकाल देती हूँ। इस तरह से सारे भटूरे हम तल लेते हैं। कितने अच्छे फूले फूले, एक एक गुब्बारे की तरह। अब मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। देखो गुब्बारे को हम जैसे फोड़ रहे हैं, अब देखिए कितनी अच्छी जाली आई है।